अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं आज आपको अडोब फोटोशॉप CS6 में एक लोगो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से इजीली हम प्रोफेशनल तरीके से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं 800x800 पिक्सल रख देता हूँ और रेजोल्यूशन 300। ओके करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे क्रोबल टेक्स्ट लिखना है हमने। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ए, ये साइज बहुत बड़ा लगा हुआ है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो कलर जो है इसका ब्लैक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वाइट है तो इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने ए टाइप कर लिए और इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेना है पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, तो जितनी मुझे सिलेक्शन चाहिए तो वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आल्ट प्रेस करेंगे और इसकी सिलेक्शन ख़त्म करेंगे और यहाँ पे आके दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फिर इसको हम डिसलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अरेजर टूल लेना है, ई प्रेस किया जिसकी शार्ट की कमांड है, तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अरेज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैंने बूस्ट टूल लेना है। ये बूस्ट टूल लेंगे और इसको दोबारा से फिल कर देंगे। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। इस तरीके बढ़ाने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल डी सेलेक्ट करना है ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। अब हम इसे करेंगे कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्मर, आल्ट प्रेस करके हमने इसको शेप दे देनी है। तो मैं यहाँ पे इतनी शेप दे देता हूँ। तो अब हम इसको करेंगे मार्ज कंट्रोल ई के साथ। उसके बाद हमने इसका निकाल लेना है एक डुप्लीकेट, कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको देना है ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके कलर। यहाँ पे हम कोई भी कलर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यही कलर रहने देता हूँ। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पे आना है डॉज टूल के ऊपर। तो इसको जो है हमने क्या करना है के एक कर लेना है। पहले मार्च कर लेता हूँ, कर देता हूँ रिमूव और इसकी थोड़ी शाइनिंग बढ़ा देता हूँ, थोड़ा कंट्रास्ट आ जाएगा और ये खूबसूरत दिखाई देगा। इस तरीके से हमने इसको कर लेना है और इसको भी यही कलर दे देता हूँ मैं। यहाँ पे कलर पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है कि राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ओके करने के बाद यहाँ पे इसका कलर भी थोड़ा बैकग्राउंड का चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे ग्रैंडेड ओवरले के ऊपर, तो यहाँ पे हमने क्या करना है रेडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जितना आपको अच्छा लगे डिज़ाइन तो उसी तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे ओके। तो अगर आप इसके ऊपर कोई टेक्सचर लगाना चाहें या मज़ीद डिज़ाइन देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं स्मूथ ही रहने दूंगा और यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन दे देते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी स्मूथ करना चाहें या कोई भी डिज़ाइन देना चाहें तो ये देख रहे हैं चेंज हो रहा है। तो हम किसी भी तरीके से इसकी शेप बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये बुरा लगेगा। तो उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। अगर आप टेक्सचर देना चाहें तो यहाँ पे टेक्सचर भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम टेक्सचर भी दे सकते हैं और मैं इसको टेक्सचर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये बुरा लगेगा। उसके बाद मैं थोड़ा स्ट्रोक कर देता हूँ।
स्ट्रोक करने के बाद इसको थोड़ा यहाँ पे ठीक है ओके कर देंगे। तो अब नीचे जो है मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, अदनान फोटोशॉप, तो इसको मैं मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको इसका कलर जो है रेड कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा नीचे और टाइप कर देता हूँ फ्री हेल्प। उसके बाद इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, तो ये ग्रे कलर ही आ गया, तो ठीक है चलो। तो इसको हम थोड़ा कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका हम मज़ीद चेंज कर देते हैं, तो इसका भी रेड ब्लू ही रख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। अगर आप इस तरीके से करना चाहें, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमें अच्छा लगेगा तो वही हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।